नमस्कार मैं हूं आकांक्षा सिंह द स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं आइए देखते हैं आज की खास खबर आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से अभिनंदन और शुक्रिया hmm. जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि इलेक्शन का जमाना है हम लोग इस वक्त विकास पुरुष ठाकुर रमेश सिंह के हिमायत के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए मैदान में आए हैं वैसे हम लोग जब से इलेक्शन शुरू हुआ है ठाकुर साहब के लिए काम कर रहे थे लेकिन चूंकि लोगों को बताना भी है कि कौन किसके लिए काम कर रहा है कौन का रुझान क्या है और मालूनी के अवाम क्या चाहती है आप हजरात को मालूम होना चाहिए कि असलम शेख कारप्यूटर रहे एमएलए रहे बल्कि उनका पूरा ख़ानदान सियासत में रहा लेकिन मालूनी जो आज अम्बोजवाड़ी और आज़मी नगर तक पहुँच चुकी है उसके मसाइल जू के तू रहे और इस मौके पे तो उन्होंने खुल करके एतराफ़ किया कि भाई मुझसे काम नहीं हुआ अब आइंदा मुझे वोट दोगे तो हम तुम्हारा काम करेंगे आप हजरा को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मालूनी और ये मलाड के एरिए में समस्याएं क्या हैं परेशानियाँ क्या हैं मुश्किल क्या हैं हम लोग जिस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं उसके नौजवानों को नशे की लत लगी हुई है और ये नशे की लत छूट भी सकती थी ख़त्म भी हो सकती थी इस पर पाबंदी भी लग सकती थी अगर शासन और प्रशासन एमपी और एमएलए और नगर सेवक उसमें दिलचस्पी लेते तो नशा मुक्त मालूनी मलाट हो सकता था लेकिन इस पर कोई तोज्जो नहीं दी गई क्योंकि जानते हैं कि हमको लोगों ने चुन लिया है पाँच साल तक मैं टस से मस होने वाला नहीं हूँ लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा लोग काम देख करके अब वोटिंग करेंगे यूँ तो मालूनी में मसाइल बहुत हैं सबसे अहम मसला मालूनी पहले कलेक्टर का पाउंड सात नंबर तक थी लेकिन अब मालूनी की आबादी पहुँचते पहुँचते महाड़ा अंबोजवाड़ी और आकाशवाणी तक पहुँच चुकी है ट्रैफिक का ऐसा मसला है कि एक पेशेंट को और हार्ट के पेशेंट को अगर लेकर के चलें आप महाड़ा से तो मेन रोड तक आते आते वो दुनिया को छोड़ जाएगा जब तक मालूनी डिपो के बगल से जो रास्ता कच्चे रोड में मिलता है जब तक उसको क्लियर नहीं किया जाएगा और मिलत नगर से रोड को जोड़ा नहीं जाएगा जब तक मालूनी के ट्रैफिक का मसला हल होने वाला नहीं है लिहाजा इस पर हमारे होने वाले एम एल ए ने ये अहतम दिलाया है ये वादा किया है कि हम ट्राफिक के मसले को और नशा मुक्त की तरफ़ हम मालूनी को लेकर के जाएंगे अम्बोजवाड़ी की आबादी जो न्यू भाभीगर भाभीर नगर से जानी जाती है वहाँ बड़ी लंबी चौड़ी आबादी है और हो रही है लेकिन वहाँ पानी के लाइन नहीं डाली गई है और लाइन डालना कोई मुश्किल काम नहीं था अगर डाल देते तो ये वाटर टैंक माफिया जो है उनकी आमदनी बंद हो जाती और वो सब ले दे के किसी न किसी तरीके से हमारे विधायक से वो वाबस्ता हैं इसलिए मालूनी में अम्बोजवाड़ी में पानी के मसले को हल नहीं किया गया टेंकर से पानी आता है और मनमानी तरीके तो से बिकता है सड़कों पर आप देखें एक तो सड़कें छोटी हैं उसके ऊपर से नाजायज़ कब्ज़े हैं आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोग मीडिया के लोग हैं कि कितने स्कूल के बच्चों की जगह पर मौत हो चुकी है मौत हो जाने के बाद मुख्तल सियासी पार्टियों के लोग आते हैं रोते हैं और गाते हैं कुछ दिन ट्रैफिक हट जाती है नाजायज़ जो अवैध कब्ज़े हैं वो हट जाते हैं फिर जो डबल डबल पार्किंग ट्रिपल पार्किंग हो जाती है इसकी वजह से एक बस का अपनी रफ्तार से गुज़रना पाँच नंबर से एक बल्कि एक नंबर से लेके वहाँ तक बड़ा मुश्किल काम है मसाइल तो बेपनाह हैं लेकिन वो मसाइल जिसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से है और जो हमको सुविधाएं मिलनी चाहिए जैसे स्कूल की है कॉलेज की है हॉस्पिटल की है ले दे के भूमि पार्क में एक हॉस्पिटल बना गया लेकिन उसमें जो सुविधाएं हैं वो आप हजरात से छुपी हुई नहीं हैं इसलिए हम लोगों ने बहुत सोच विचार के बाद ये फ़ैसला किया कि इस वक्त जितने कैंडिडेट मालूनी और मलाड के एरिए में इलेक्शन को फाइट कर रहे हैं उन तमाम कैंडिडेट में बगैर पार्टी को उनको देखे हुए बगैर उसकी समाज को और जात पात को देखे हुए एक सर्वे सामने आया जिस सर्वे को लेने के बाद आखिर में हम लोग कहने पर मजबूर हुए हैं कि किँधीवली ईस्ट में ठाकुर रमेश सिंह ने जिस अंदाज से जो काम किया है और विकास की जो गंगा बहाई है उन्होंने मालूनी और मलाड के लोग खुशकिस्मत हैं कि ठाकुर रमेश सिंह इस इलाके से इलेक्शन लड़ रहे हैं हम उम्मीद करते हैं उनसे उनके सहयोगियों के बातचीत के बाद कि ठाकुर रमेश सिंह जब एक दफ़ा मलाड वेस्ट में आ जाएंगे और मालूनी में आ जाएंगे तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि मालूनी और मलाड भी कांदेवली ईस्ट की तरह हरा भरा और साफ़ सुथरा होगा न सड़कों की समस्या होगी न ना नाली और गटर की समस्या होगी न स्कूल और कॉलेज न हॉस्पिटल की किल्लत होगी इसीलिए बहुत सोच समझ करके हम लोगों ने बगैर जात और धर्म और ऊँच नीच को देखे हुए ठाकुर रमेश सिंह के कामों की बुनियाद पर उनकी हिमायत का फ़ैसला किया है और हमें आपके माध्यम से उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ को पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे महाराष्ट्र में आम तौर से और खास तौर से मालूनी और मलाड में जहाँ जहाँ ठाकुर रमेश सिंह के एरिए के वोटर रहते हैं उनसे अपील करेंगे आप भी और हमारी भी अपील है कि वो कुछ ना देखते हुए सिर्फ ये देखते हुए कि जो शख्स हमारे दरम्यान में इलेक्शन लड़ रहा है जिसने विकास के काम किए हैं अभी हमारे एमएलए ने एक सियासी पार्टी एमआईएम के कैंडिडेट को भी फोड़ा तो तोड़ और फोड़ में चलता रहता है इससे हम लोग दिल को छोटा करने वाले नहीं हैं बल्कि हम ये कहना चाहेंगे ठाकुर रमेश सिंह से कि तुंदी मुखालिफ से न घबराए उकाब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए सियासत में और किसी मैदान में जब तक नोक झोंक ना हो उठा पटक ना हो मज़ा नहीं आता है तो ठाकुर रमेश सिंह जो समझ रहे थे कि हम तो एक तरफ से जीत रहे हैं तो अब थोड़ा ठाकुर साहब को मेहनत करने की ज़रूरत है और हम लोग तो पूरे जी जान के साथ लोगों से अपील कर रहे हैं घर घर जा के उनसे मिल रहे हैं कि अपने वोट को ज़ाये मत कीजिए ये मत देखिए कि हम मुसलमान हैं हमारा सामने वाला कैंडिडेट मुसलमान है हमको मुसलमान को चुन करके कोई मस्जिद का इमाम मुतैन नहीं करना है हम ये इंतखब जो लड़ रहे हैं किसी मस्जिद के या दरगाह के मुतवली के वास्ते नहीं लड़ रहे हैं कि मुतवली को चुन रहे हैं हम हम ऐसे काम के लिए इंतख्य लड़ रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारे एरिए का विकास हो और हमारी समस्याएं दूर हों और ये खुशकस्मती है इस देश की भी प्रदेश की भी कि यहाँ से लेकर के दिल्ली तक बीजेपी की हुकूमत है और बीजेपी की हुकूमत ना होती सिर्फ तनह ठाकुर रमेश सिंह ने भी जब बीजेपी देश में नहीं थी ठाकुर रमेश सिंह कांदीवली ईस्ट में थे कांदीवली ईस्ट को हमने सुना नहीं बल्कि अपनी आँखों से देखा है और तकर सर अस्सी से मैं मुंबई में ही ईस्ट वेस्ट को मैं जानता हूँ मैं जमिता मुंबई का प्रेसिडेंट हूँ इस नाते भी हर जगह मेरा आना और जाना रहता है लोगों से मिलना रहता है फितना और फसाद के ज़माने में 92 टू नाइन्टी के अंदर भी ईस्ट और वेस्ट बिल्कुल सुकून था हम चाहते हैं कि वही सुकून का माहौल जो है देश के अंदर बना रहे और जो सब मुस्लिम की दुहाई देते हैं हमारे एम साहब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जबकि कहने की चीज़ नहीं है कि मालूनी में एक मस्जिद है सिर्फ उसकी दीवार को बनाना है जो शख्स अपने बाप से लेकर के आज तक कम से कम तीस से पैंतीस साल तक उसके जिम्मेदार भी हैं जब एक मस्जिद की दीवार को बना नहीं सके तो फिर मुस्लिम होने की एक दुहाई क्या देते हैं अरे मैदान में आओ अपने काम की बुनियाद पर वोट मांगो मुस्लिम होने की बुनियाद पर वोट मत, मत मांगो अगर आप हजरात को कुछ इस विषय में सवाल लिए जिम्मेदार हमारा एम एल ए है अगरचे वो काम हमारे नगर सेवक के आते हैं लेकिन जितने नगर सेवक हैं वो हमारे आमदार के लाए हुए हैं इसलिए कहीं ना कहीं तक जिम्मेदारी जो है डायरेक्ट हमारे असलम शेख साहब की बनती है कि अगर वो अपने कारपोटरों को टाइट करते तो ये दिन ना देखने को मिलते अभी चुनाव आ गया है तो वादे किए थे उन्होंने पाँच साल पहले वादा किया था और फिर पाँच साल के बाद आए इनकी इतनी गलत उनकी सही है कि पाँच साल में बराबर जगते हैं अब कुंभकर्ण की नींद सोने वालों से मालूनी के अवाम जो है होशियार हो चुकी है कि जो सिर्फ इलेक्शन में वादा करता हो अरे काम करो और कहो कि मैंने पिछले पिछले इलेक्शन में ये चीज़ नहीं थी मैंने ये करके दिया हमने ये वादा किया था यह करके दिया इसलिए मुझे अगले पाँच साल के लिए चुनो मीडिया ने कुछ समय तो पहले उनसे एक तो सवाल किया था, रहे रहे था मैं आपकी बात का जवाब तो दूंगा ही इतना और कहूंगा कि असलम शेख जैसा कि आप हजरात जानते हैं मीडिया बंधु किन किन सियासी पार्टियों के चक्कर नहीं काटे मालूम है कि शिवसेना में जा रहे हैं मालूम है बीजेपी में जा रहे हैं और ये वो शख्स हैं कि सबसे आखिर में कांग्रेस ने इनका पार्टी टिकट डिक्लेयर किया तो ये खुद इतने मुतमईन नहीं थे सक्षम नहीं थे कि वो पार्टी से जब दूसरी पार्टियों ने घास नहीं डाला उन्होंने कहा चलो भाई अपने घड़ी में भला है हारेंगे या जीते में जीतेंगे अपने लोगों के बीच में जो रहेंगे हम और इस वक्त मालूनी में वही लोग उनके स्टेज पे काम कर रहे हैं मैं कहता हूँ कि जिनका उन्होंने अपने ज़माने में काम किया है किसी को शादी का हाल बना करके दे दिया किसी को ठेका दे दिया किसी को रोड दे दिया किसी को गटर दे दिया वही है कि हमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ काम बताने की ज़रूरत है कि अवैध कब्ज़ा से जिन लोगों की आँखें बंद की हमारे असलम शेख ने उन्हें वही लोग उसके सपोर्ट कर रहे हैं और जो लोग नौजवान नस्ल है युवा पीढ़ी है वो उनके साथ नहीं युवा पीढ़ी जो विकास चाहती है और विकास जो है रमेश सिंह से हम उम्मीद नहीं करते हैं रमेश सिंह से मुझे उम्मीद है कि तो यकीन है कि उन्होंने जो ईस्ट में किया है ईस्ट क्या था कुछ भी नहीं था आज हरा भरा है पौष एरिया में उसका शुमार होता है तो हमें उम्मीद है कि जब वो आदमी वेस्ट में आएगा तो कुछ पार्टी की होगी और कुछ आदमी के अंदर से करने की इच्छा होती है कि मैं काम करके देखूँ समाज के लोग हैं और को अपना बनाएंगे। बिल्कुल को अच्छा। बिल्कुल सही मुद्दे पे आप पहुंचे कि जात और पात और उत्तर भारती दक्षिण भारती पूर्व भारती हमको छोड़ करके विकास के मसले पे सब लोग एक साथ में हैं और जिस शख्स ने विकास के काम किए हैं उसी को अपना हीरो चुनेंगे ताकि उनके एरिया में भी विकास का काम हो